एवरीवन, दिस इज सुमित। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट्स हैं इन फिजिकल रिपोर्टिंग और एज वेल एज स्कॉलरशिप। तो एट द टाइम ऑफ स्कॉलरशिप आपको कौन से इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट्स जो कि रिक्वायरमेंट होंगे, कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो अभी से आपको घर से ले लेने हैं, और क्योंकि बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है, और फिजिकल टाइम के जो फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पर ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं जिससे कि आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल भी हो सकता है, क्योंकि आप तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है और आपको इसको बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उन सभी सर्टिफिकेट के बारे में बताने वाला हूँ। ए टू जेड सर्टिफिकेट आपको रिक्वायरमेंट होंगे, वो सभी सर्टिफिकेट मैं आगे बताने वाला हूँ। इससे और इसके अलावा कोई भी सर्टिफिकेट, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सभी डॉक्यूमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड एंड तक आप सभी जो सर्टिफिकेट्स हैं और जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनके बारे में यहाँ से जान रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट आपका 10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, फिजिकल में तो होना ही है। तो आप कम से कम हर एक डॉक्यूमेंट की 4 कॉपी आपको रखना मैंडेटरी है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ स्कॉलरशिप और फिजिकल रिपोर्टिंग आपको कॉपी चाहिए ही होती हैं। और आप 10th की मार्कशीट, उसके बाद आपका 12th का मार्कशीट आता है, एंड देन आपके पास आधार कार्ड, स्टूडेंट्स का आधार कार्ड एंड फादर का आधार कार्ड होना चाहिए, एंड फादर का पैन कार्ड भी होना चाहिए। मैं फोटोकॉपी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। एंड टीसी आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड करेक्टर सर्टिफिकेट, ये सभी डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल होने चाहिए जो कि आपको स्कूल से मिलेगा, करेक्टर सर्टिफिकेट एंड मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि आपको UPTU की जो गवर्नमेंट जो वेबसाइट है आपको वहाँ से वो पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा, तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं। एंड गैप ईयर सर्टिफिकेट जो कि आपको बनवाना होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको भी, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने गैप लिया था जेई मेन्स के लिए, तो ये उनको या किसी भी वजह से उन्होंने गैप लिया है तो ये उनको फिल करना बहुत ज़रूरी है। एंड अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए, एंड जेई मेन्स का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, एंड डोमेसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, एंड देन एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट जो कि आपको कॉलेज की वेबसाइट से मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। एंड देन इनकम सर्टिफिकेट, और जो इनकम सर्टिफिकेट है वो स्टूडेंट्स का नहीं होता, वो फादर का होता है। तो कई बार जो डाउट आता है इससे रिलेटेड, बट आप इस बात का ध्यान रखें कि जो फादर का जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है वही अप्लाई होगा, क्योंकि आपका कोई नहीं है अभी, आप कोई इनकम जनरेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन असल में जो लगता है वो फादर का इनकम सर्टिफिकेट लगता है। एंड देन आपके पास अब नेक्स्ट आते हैं एफिडेविट्स, जो कि अभी आपको फिजिकल टाइम पर, फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पर रिक्वायर्ड नहीं होंगे, बट एट द टाइम ऑफ स्कॉलरशिप ये आपके बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। तो ये आपको, क्योंकि आप यदि इनको एट द टाइम ऑफ स्कॉलरशिप जब आप देखेंगे तो कॉलेज से जो आपको मिलेंगे एफिडेविट वो बहुत ही कम से कम हाई प्राइस में मिलेंगे, तो आपको 100 से लेके 150 तक के बीच में मिल सकते हैं। तो आप इनको अपने होम टाउन से ही बनवा सकते हैं, ताकि एट द टाइम ऑफ स्कॉलरशिप आपको ज़्यादा पैसा खर्च ना करना पड़े। और कम से कम मैं तो 4 से 5 फोटोकॉपी आप ज़रूर से निकलवा लीजिए, क्योंकि एट द टाइम ऑफ स्कॉलरशिप और भी डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट होते ही होते हैं, तो देन आपको पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ जाता है कॉलेज के टाइम में। एंड देन और ये एफिडेविट आपका फादर का एंड देन स्टूडेंट्स का होता है, एंड देन पासबुक, बैंक की जो पासबुक है उसका जो फर्स्ट पेज है उसका फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए, और ये स्टूडेंट्स का होना चाहिए ना कि फादर का, क्योंकि जो भी स्कॉलरशिप आएगा वो आपके स्टूडेंट्स के बैंक अकाउंट में आएगा, ना कि फादर के में। और ये आपका बैंक अकाउंट आपका होम टाउन का भी हो सकता है, एंड देन आप कॉलेज के पास में भी जो बैंक है वहाँ जाकर भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो ये सभी ए टू जेड बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट को आपको एस्केप नहीं करना है कि जिससे कि आगे जाके आपको प्रॉब्लम आए। ओके, तो इन सभी चीज़ का आप ध्यान रखिए, एंड देन मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, और ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए आती रहेंगी, चाहे आप कॉलेज में जा रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चैनल, तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो टिल देन आप अपने कॉलेज के लिए, नेक्स्ट आपकी जो कॉलेज की जर्नी है स्टार्ट होने वाली है, और उस जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट।